इंडिया कंपनी आई है 1498 में, 1498 के अंदर पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपना जो सेंटर बनाया, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, सबसे पहले जो बनाया कोचीन के अंदर 1510 के अंदर से 1530 के बीच में उनका पीरियड रहा है और वो कोचीन में बनाया। उसके बाद में गोवा में 1530 से 1961 तक उनका कैपिटल रहा हुआ है, हेडक्वार्टर जो रखा है, पहले कोचीन में हेडक्वार्टर रहा है, फिर क्या में गोवा में हेडक्वार्टर रहा है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 सेंचुरी में कब आई है, 1600 सेंचुरी में आई है और उसने सबसे पहले सूरत में अपनी कैपिटल बनाई है। इसको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कहाँ पे बनाया, तो सूरत में बनाया, ठीक है। और उसके बाद में जो है साउथ में सबसे पहले, फिर उसके बाद कहाँ बनाया, तो उसके बाद जो सूरत में बनाने के बाद यानी 1608 में सूरत में बनाया, उसके बाद में कहाँ बनाया, मसूरीपट्टनम में। तो यह याद रखिएगा डच लोग आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 के अंदर और डच ने अपना कोरोमंडल वगैरह में बनाया है 1602 के अंदर डच आए हैं। ये क्रोनोलॉजी भी पूछी हुई है यूपीएससी के अंदर, तो पूछेगा। फिर डच आए हैं 1602 में, उसके बाद में 1616 के अंदर डैनिश आए हैं, डैनिश डेनमार्क वाले, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने आपका अपना ज्यादातर बंगाल के अंदर सेटलमेंट बनाया था। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1664 में आई है और इसको ये जो राइवल थी, ये किसकी कौन सी कंपनी की राइवल थी, ये राइवल थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राइवल थी। तो इसलिए जो आपको याद रखना है वो दो लोगों को याद रखना है, एक आपको याद रखना है इंग्लिश को, दूसरा फ्रेंच को। और डेनिश सेटलमेंट जो है वो 1845 के अंदर ही वो सब इंग्लिश को बेचकर वो लोग निकल लिए थे, ब्रिटिशर्स को बेचकर निकल लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद में फिर मार्क करिएगा आप लोग की पोर्चुगीज, पोर्चुगीज के अंदर जो उन्होंने डिस्कवर किया, वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया, कब किया, कौन सी ईयर में किया, 1498 में किया, 1498 में 17 मई को 1498 को किया इंडिया, और वो कैलिकट पे आया था और वहां पे जो किंग था जेमरोन, उसको नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में उसने जो अपना पोर्ट वगैरह स्टेशन वगैरह एस्टेब्लिश किए कैलिकट में, कोचीन में और कन्नूर में किए। उसके बाद में सबसे पहला गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा, पोर्चुगीज गवर्नर जनरल जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, मैंने पहले बता दिया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और उसकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर जो आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद में फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्के, ये था इसकी पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। नीनो दी कुना जो है ये जो इंपॉर्टेंट था, इसने कोचीन से गोवा कैपिटल ट्रांसफर की थी, और ठीक है इसको याद रखने हैं। फिर मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा जो एक क्या नाम है इसके टाइम पर फ्रांसिस्को जेवियर इंडिया में इसके टाइम पर आए थे, मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा के टाइम पर। बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करने की जरूरत है। दूसरा चार्ल्स टू को दहेज में किसको दिया था, बॉम्बे, चार्ल्स टू को दिया था, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है, मार्क कर लिया। उसके अलावा जो है मराठा सेटलमेंट जो है, मतलब मराठा जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था बासिन और क्या नाम है सेलसेट को। तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं। डच के बारे में क्या बातें याद रखनी है, डच के बारे में याद रखनी है कि डचेस उनको यानी ब्रिटिश इनको पोर्चुगीज को रिप्लेस करने वाले एक्चुअल में डच थे पहले, लेकिन डच बाद में जो है वो हो गए, और इनके लिए बैटल ऑफ बडेरा याद रखना बस बहुत है। बैटल ऑफ बडेरा 1759 के अंदर इनको डिफीट किया ब्रिटिशर्स ने और अपने कब्जे में ले लिया इनका सेटलमेंट। और इंग्लिश के लिए क्या याद रखना है, इंग्लिश जो है उसमें ब्रिटिशर्स के लिए तो सारी कहानी ही हमारी कम पड़ जाएगी पढ़ते पढ़ते, है ना। तो इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एस्टेब्लिश इंडिया के अंदर जॉन मिडल हॉल ने, वो मर्चेंट था, फर्स्ट इंग्लिशमैन जो कि 1599 के अंदर जो है लैंड रूट से आया था। उसके बाद में फिर जो है कैप्टन विलियम हॉकिंग जहांगीर के दरबार में 1609 के अंदर कौन बंदा आया था, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें, क्वेश्चन ध्यान लिखना, मिडल हॉल जो है लैंड रूट से आया था और विलियम हॉकिंग जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था 1609 में, वो आप ये रटा मान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। थॉमस रो फिर जेम्स वन का एम्बेसडर बन के जहांगीर के दरबार में आया और उसके बाद में थॉमस रो जो है बहुत ही क्या नाम है बहुत ही अच्छा ऑरेटरी बंदा था, करता था, तो ये इसको याद रखेंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है आपका सूतीनाता कालीकाता और गोविंदपुरा इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बनाया था, वो याद रखें। फिर वहां पे फोर्ट विलियम इन्होंने एस्टेब्लिश किया। फ्रेंच जो है उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने वाला कोलबर्ट था। कोलबर्ट जो है आपको पता है कि जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक गवर्नमेंट की कंपनी थी, और उसके बाद फिर उन्होंने ईस्ट में ट्रेड करना शुरू किया, और कॉन्फ्लिक्ट पहले नहीं था इनका कुछ ज्यादा, लेकिन जब डुप्लेक्स आया तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो किसके टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद में फिर आपको याद है क्या करना है, एंग्लो फ्रेंच वॉर, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर जिसको कर्नाटिक वॉर के नाम से भी जाना जाता है, 1746 से लेकर 48 तक फर्स्ट एंग्लो, उसके लिए ट्रीटी मैंने बताया था, कौन सी ट्रीटी याद करनी है, एक्सला चापले याद है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी एक्सला चापले, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर के अंदर जो ट्रीटी थी वो कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी,
ठीक है। और उसके बाद में थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1758 से लेकर 63 तक वाला, 58 से 63 तक ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 के अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसने कंक्लूड कर दिया है और फ्रेंच को यहां से हटा दिया समझ लो, और सारी पावर जो है वो किसके हाथ में आ गई, अब सारा वर्चस्व 1763 के बाद किसके पास आ गया है, किसके पास आ गया भाई, ब्रिटिश के पास। मॉडर्न इंडिया में अगर आप पढ़ते जाते हो, मॉडर्न इंडिया में देखो हमारे पास जब मुगल जो है कमजोर हो गए तो बहुत सारे प्रोविंस की बात की थी मैंने, बहुत सारे लोगों को बताया था कि वो पिक्चर में आ गए थे, उसमें से मुर्शिद कुली खान जो है उसने अपॉइंट किया गया था सूबेदार उसको, ठीक है। उसके बाद में उसको वो जो है मुर्शिदाबाद उसने बनाया, और उसके बाद में फिर आपने देखा होगा कि सन इन लॉ जो था उसका मुर्शिद कुली खान का, ठीक है, सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान ये था सुजाउद्दीन, और ये जो है ठीक है जिसने कैप्चर कर लिया था, यानी ये जो बंदा है ठीक है ये गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया था मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 में बनाया था, और उसके बाद इसको सरफराज खान जो है वो संता सहाजुद्दीन का उसको मर्डर कर दिया था अलवर्दी खान ने, ये मैंने आपको बताया था, ये डिप्टी गवर्नर था बिहार का और इसने अलवर्दी खान ने उसको मार दिया था, और अलवर्दी खान जो है आपको पता है सिराजुद्दौला का, जो सिराजुद्दौला है उसका ग्रैंडफादर था, याद है सिराजुद्दौला का ग्रैंडफादर था अलवर्दी खान जिसने मारा था, और उसके बाद में आपको पता है जिसने धोखा दिया उसको धोखा मिलेगा भी, उसके पोते को धोखा मिला बैटल ऑफ प्लासी के अंदर, मीर जाफर मानिक चंद और अमित चंद इन लोगों ने धोखा देकर उसको बैटल हरा दिया, ठीक है समझ में आ गया। बैटल ऑफ प्लासी बहुत फेमस है 1757 के अंदर, और यहां से जो है 23 जून 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें नवाब का डिफीट होता है, और वहां से जो है अंग्रेजों ने इंडिया में अपना वर्चस्व बनाया, और आपको पता है इसके बाद में जो है क्या होता है कि सिराजुद्दौला के बाद ये मीर जाफर को बनाते हैं, मीर बाद जाफर अनवर्दी प्रूफ होता है तो फिर ये मीर कासिम को बना देते हैं, फिर मीर कासिम जो है वो कुछ समझता है, और मीर कासिम जो है वो शाह आलम वगैरह के साथ मिलकर जो उसके किंग होते हैं, और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर फिर जो है ये बैटल ऑफ बक्सर कर लेता है 1764 में, यहाँ पे अंग्रेजी जीत जाते हैं, और फिर बाद में जो है पूरा समझ लो बंगाल के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं, और फाइनली जो है बंगाल के अंदर 1773 तक आते आते 1772 तक आते आते गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग आ जाता है आपको पता है, और वॉरेन हेस्टिंग जो है उसने पूरा मतलब एस्टेब्लिश कर दिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता है उसको, और उसने फिर पूरा कहानी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1733 वो सारी कहानी आपको पता है, है ना, पता है ना। उसके बाद में देखिए हैदर अली जो है वो 1761 के अंदर हैदर अली जो है मैसूर के अंदर, देखो इधर तो मैंने आपको बताया था मीर कासिम बंगाल में, फिर उधर हैदर अली ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है, ठीक है, हैदर अली के साथ टीटी होती है, टीटी ऑफ मद्रास, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा याद कर लीजिएगा 1766 से लेकर 69 तक, उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 80 से 84 तक, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपको पता है कि इसी बीच लड़ाई के दौरान यानी कि अपनी बीमारी से जो है हैदर अली मर जाते हैं और टीपू सुल्तान जो है किंग बन जाते हैं, और टीपू सुल्तान जो है 1782 से 99 तक टीपू सुल्तान है, उनसे जो वॉर होता है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कर लेते हैं, उसके बाद में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम होता है, उसमें आधी टेरिटरी तो वैसे चली जाती है इनकी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर जो है लॉर्ड वेलिस्ले को मैंने बताया था कि क्या बताया था मैंने कि वेलिस्ले वो बंदा था जिसको मतलब वो टाइगर माना जाता था, और उसने जो है वेलिस्ले की सब्सिडरी अलायंस के लिए, वो किसके लिए फेमस है, सब्सिडरी अलायंस के लिए, याद है तो लॉर्ड वेलिस्ले जो है उसने सब्सिडी अलायंस किया, सब्सिडी अलायंस कर करके उसने पूरे इंडिया को कब्जा कर लिया था, आपको ये पता होना चाहिए, और उसी ने लॉर्ड वेलिस्ले ने टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक किया 1799 में, फोर्थ एंग्लो फ्रेंच वॉर, और उसके बाद में एंग्लो मैसूर वॉर, और उसके बाद में फिर कहानी खत्म, चार एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम के गेट पे जो है मारे गए, उसके बाद में पंजाब के अंदर जो है आपको पता है दो वॉर हुआ है, एंग्लो सिख वॉर एक 1845 में 46 में हुआ है, लाहौर की ट्रीटी हुई है, और उसके बाद डलहौजी ने एनेक्स कर लिया है जर्मनी, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के अंदर 1848 में 49 में डलहौजी ने एनेक्स कर लिया उसको, किसको, क्या नाम है, लाहौर को और उसको पंजाब को, और उसको बना दिया चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है ये बना दिया चीफ कमिश्नर बना दिया, लॉरेंस को जो है सर जॉन लॉरेंस को जो है पहला चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब बनाया, उसको कमिश्नरेट सिस्टम बना दिया था ये, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि फाउंडर क्या है, तो नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान ने 1717 के अंदर जो है नेपाल बनाया था, सॉरी बंगाल बनाया था,
उसके बाद में मराठा कॉन्फेडरेसी में बाजीराव वन है, और उसके बाद में सब्सिडी अलायंस में चले गए वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में एनेक्स कर लिया गया 1764 के अंदर, एनेक्स सब्सिडी अलायंस के अंदर 1801 के अंदर जो है एनेक्स कर लिया गया मराठा को। नवाब ऑफ कर्नाटक जो थे आर्कॉट वो सब्सिडी अलायंस में आ गए, उसके बाद में क्या नाम है नवाब ऑफ अवध ये सब्सिडी अलायंस में आ गए, डलहौजी ने फिर बाद में इसको वो कर लिया एनेक्स कर लिया। उसके बाद में फिर निजाम ऑफ हैदराबाद थे ये भी क्या नाम है सब्सिडी अलायंस में आ गए, और उसके बाद में क्या नाम मैसूर मैसूर जो है उसमें हैदर अली को मार दिया गया और टिपू सुल्तान को मार दिया गया, हैदर अली फाउंडर थे, और 1799 के अंदर जो वडियार किंगडम के उसको बंदे को बिठा दिया था वो जो है सब्सिडी अलायंस में आ गया। उसके बाद पंजाब भी रंजीत सिंह के बाद में क्या हुआ डलहौजी ने उसको एनेक्स कर लिया। तो कुल मिलाकर ये जो है टाइम रहा है ये वो सिस्टम रहा है जब क्या नाम है अंग्रेजों ने जिस तरह से कब्जा किया तो तीन उस पर कब्जा किया है, जो मेन थी मराठा थे मराठास को हराया, मराठास के बारे में थोड़ी सी और बात होगी इसमें, मराठास को हराया सबसे पहले बंगाल को हराया मैसूर को हराया मराठा को हराया और पंजाब को हराया, इन्हीं ये लोग खड़ल थे इनको हटा दिया और उनसे पहले जो है फ्रेंच ऑरेंज को हराई चुके थे तो अपना पावर स्टेब्लिश कर लिया, सारा पावर ड्रेन होना शुरू किया। ड्रेन थ्योरी जो है देने वाले दादा भाई नेहरू जी इसको याद रखिएगा, उन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आरसी दत्त ने लिखा था, इसमें इन्होंने अपनी इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम थी उसके लिए ब्लेम किया अंग्रेजों को कि सारा पैसा लेकर जा रहे हो तो हम लोग बर्बाद कैसे नहीं होंगे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में तीन तरह के रेवेन्यू सिस्टम होते हैं, एक तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा रायतवारी सिस्टम, तीसरा महलवारी सिस्टम, कौन कौन से एरिया में होते हैं बता चुका हूं आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। महलवारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इज द जमींदारी सिस्टम, दैट इज एक बंदे को बना दिया गया 1/11 पार्ट जो है वो लेगा और 10 पार्ट जो है वो अंग्रेजों को देगा, ये था उसमें। महलवारी सिस्टम में जो क्या होता है भाईचारा सिस्टम भी कहते हैं इसको ठीक है। उसके बाद रायतवारी सिस्टम में क्या होता है किसान जो होते हैं बड़े किसान उनसे ट्रीटमेंट वो अपना डायरेक्ट रेवेन्यू पे करते हैं। उसके अलावा जो है आप लोग इसमें देखेंगे रिवॉल्ट्स वगैरह भी हुए हैं लेकिन अभी उस पर नहीं, अभी हम लोग चलते हैं उसके बाद में आप आ जाइए 1857 के स्ट्रगल के ऊपर। 1857 के अंदर क्या होता है रिवॉल्ट शुरू हो जाता है, रिवॉल्ट के अंदर याद रखिएगा कुछ किन किन लोगों का नाम आपको याद रखना है तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि दिल्ली में कौन लड़ रहा था, कानपुर में ये जो टेबल दे रखा है, लखनऊ में कौन, झांसी में कौन, इलाहाबाद में और जगदीशपुर में कौन, ये क्वेश्चन ज्यादातर आता रहता है। तो इसमें ध्यान रखें कि दिल्ली के अंदर जो है बहादुर शाह जफर, बख्त खान ये लोग थे और जॉन निकोलसन जो है ये कमांडर था, ब्रिटिश सप्रेशन जॉन निकोलसन। कानपुर के अंदर नाना साहब और उनके लॉयल कमांडर तात्या तोपे, कॉलिन कैम्बल वहां पे था, लखनऊ में भी कॉलिन कैम्बल, बेगम हजरत महल थी, झांसी में झांसी की रानी आपको पता है हुजरोज ने कहा था कि हेयर ले अ लेडी इज द ओनली मैन इन द लेबर्स टेबल्स ऐसा उसने कहा था। अलाहाबाद के अंदर जो है लियाकत अली लड़ रहे थे, उनका कॉलोनल नील थे, इधर आ जाओ इधर ईशान बदमाशी मत करो। जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह वगैरह अमर सिंह लड़ रहे थे जिसमें विलियम और विंसेंट विंसकेट आयर इस ये थे। ए ईशान इधर आओ मोनी ये एक मिनट रुकता नहीं है बच्चा, इधर आ जा, ले लो इधर आके ले लो ठीक है। तो ये है बहादुर शाह जफर जो है आपको पता है कि 1857 के रिवॉर्ड के बाद बहादुर शाह जफर जो है उनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून के अंदर, उनके बच्चों को मार दिया गया, बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई, तात्या तोपे वगैरह जो है मारे गए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा तात्या तोपे जो है वो मारे गए और उसके अलावा जो है नाना साहब वगैरह नेपाल भाग गए ठीक है। कुंवर सिंह वुंडेड हो गए और फिर मरे गए, तो ऐसे बहुत सारे लीडर जो है मर गए और खत्म हो गया रिवॉल्ट खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग नामों से बताया है, कुछ लोगों ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है जैसे कि वी डी सावरकर वगैरह ने वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, कुछ लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे कार्ल मार्क्स ने भी इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। उसके अलावा जो है कुछ लोगों ने सिपाही म्यूटिनी वगैरह भी कहा है, उसका एक टेबल है उसको आप देख लीजिएगा ओपिनियन जो भी दे रखे हैं ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ इसके अंदर। उसके बाद में फिर 1858 से का जो पीरियड है, इसके बाद में जो गवर्नर्स का पीरियड है उसको देखेंगे, उसके बाद में बातें समझ में आएंगी आपको। तो गवर्नर जरा खोल लीजिए, मम्मी इसको जरा थोड़ा देर देख लो इसको, मैं या मोनी को दे दो थोड़ा देख ले। इसके अंदर मैंने गवर्नर्स की बात कर लीजिए तो आपको बात बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कैसे कैसे रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करेंगे, गवर्नर वाला वो खोल लीजिए, मैं हिस्ट्री बताता जाता हूँ, पूरा पीरियड क्लियर हो जाएगा ठीक है। 1857 की रिवॉल्ट के बाद वो सारे कहानी शुरू हो जाएगी। तो देखिए आप सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुए हैं 1757 से लेकर 1774 तक जो है गवर्नर ऑफ बंगाल रहे। गवर्नर ऑफ बंगाल का मतलब क्या है कि जो है सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल का मतलब ये था कि वो गवर्नर सबसे बड़ा जो प्रोविंस था वो बंगाल था, तो बंगाल में जो है गवर्नर ऑफ बंगाल माना जाता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव
रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है सबसे पहला है, उसके बाद में और लोग हुए हैं, लेकिन इसके बाद आप जाइए वॉरेन हेस्टिंग्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स जब आया तो गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया है, लेकिन फिर वहीं पे इंस्टीट्यूशन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उसमें एक इंस्टीट्यूशन आ गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वहां से फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, तो वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1774 से लेकर 85 तक रहा है, और वो मेन है, मेन बनता था जिसने सारा रेंट रेवेन्यू सिस्टम वगैरह को चेंज किया है सबसे पहले, और रोहिल्ला वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो मैसूर वॉर जो है, सेकंड वाला एंग्लो मैसूर वॉर, वो सारा जो है लड़ने वाला ये था कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस 1784 से लेकर 93 तक है, कॉर्नवालिस ने जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा है टीपू सुल्तान के साथ, और उसके बाद में सर जॉन सॉर है जिसने फर्स्ट चार्टर 1793 के अंदर उसके टाइम पर आया था, फर्स्ट चार्टर 1793 में आपको पता है चार्टर एक्ट मैंने बताया था रेगुलेटिंग 1733, उसके बाद में फिर चार्टर शुरू हो गए थे पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कौन सा शुरू हो गया था, चार्टर शुरू हो गया था, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में जॉन सॉर के बाद में लॉर्ड वेलिस्ले, वेलिस्ले 1798 से लेकर 1805 तक, ये बंदा जो है सबसे रिलायंस बनाने वाला बंदा है जिसने पूरे मतलब इंडिया को एक तरह से कब्जा कर लिया था, किसके रूप में, सबसे रिलायंस कर करके, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 के अंदर इसने लड़ा है, एंग्लो मराठा वॉर जो है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वो इसने लड़ा है, और उसके बाद में भोसले होलकर वगैरह के साथ ये जो है ट्रीटी वगैरह करने वाला भी ये बनता है। उसके बाद में जॉर्ज बॉडलो, जॉर्ज बॉडलो के टाइम पे वेल्लोर म्यूटिनी 1806 की हुई थी, वो याद रखिएगा, मिंटो वन जो है उसके टाइम पर महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो है ट्रीटी हुई थी 1807 से 30 तक, और 13 से लेकर 23 तक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है, और सॉरी हेस्टिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस है, इसने नेपली इंडो नेपलीज वॉर लड़ा है। उसके बाद में इंडो एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 18 तक जो है वो ये इसका क्या नाम है आपका वो हेस्टिंग का पीरियड है। वो लॉर्ड एमरहेस्ट उसके बाद 1803 के से लेकर 1823 से लेकर 28 तक, ये मैंने याद करवाया था इसलिए आपको रिकॉल कर रहे होंगे आप लोग, एमरहेस्ट याद है मैं, इंडो बर्मिस वॉर। उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को लॉर्ड विलियम बेंटिक बताया था 1828 से लेकर 33 तक, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने काफी काम किया था, और इनके टाइम पर ही लॉ कमीशन वगैरह बनाया गया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो लॉ मेंबर बनाया गया था लॉर्ड मैकॉले को, इन्हीं के टाइम पर बनाया गया था। उसके बाद चार्ल्स मेटकाफ है, मेटकाफ जो है ये प्रेस का लिबरेटर ऑफ द प्रेस कहा जाता है, और चार्ल्स मेटकाफ 34 से लेकर 36 तक। फिर ऑकलैंड फॉली के नाम से मैंने बताया था आप लोगों को कि अफगान वॉर इनके टाइम पर हुआ था, ऑकलैंड फॉली के नाम से जाना जाता है इसको, ऑकलैंड जो है वो 36 से लेकर 42 तक था, और अफगान वॉर इसका हुआ था जिसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स मारे गए थे, इसका प्रेस्टीज बहुत डाउन हुआ था। और उसके बाद में फिर एलन ब्रफ है, मैंने बताया था अफगान वॉर को जो है खत्म करने वाला बंदा, और उसके बाद में फिर ग्वालियर के साथ इसका वॉर हुआ था, सिंध को एनेक्स किया था, और उसके बाद में फिर क्या नाम है स्लेवरी को एबॉलिश करने वाला ये बनता है। एलन ब्रफ के बाद में हार्डिंग्स वन है, ये 44 से लेकर 41 तक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इसके टाइम पर हुआ है, और उसके बाद में फिर जो है सिखों से सोवरेनिटी छीनने वाला ये बनता है। फिर लॉर्ड डलहौजी ने तो अपना वही कर लिया था, मतलब एबॉलिशन ऑफ टाइटल शुरू किया उसने, और पेंशन खत्म कर दिया, और उसके बाद में रीमैरिज बिल लेकर आया, और उसने फिर वॉर्स लड़ने शुरू किए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया, और बहुत सारे लोगों को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह जिसके फलस्वरूप जो है फादर ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी कहा जाता है इसको, लॉर्ड क्या नाम है आपका डलहौजी को, और रेलवे वगैरह को बनाने वाला भी ये बंदा है, इसके टाइम पर रेलवे वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है। और उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग आया जो कि गवर्नर जनरल बन गया है, लेकिन 1858 के अंदर जब वॉइस रॉय मतलब का इंस्टीट्यूशन आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया, और 1858 जो कि 1857 के रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ था, तो इसको वॉइस रॉय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग वॉइस रॉय रहा 58 से लेकर 62 तक, और इसने इंडियन काउंसिल एक्ट इसके टाइम पर आया है, काफी सारी चीजें इसने इंट्रोड्यूस की हैं, काफी सारी चीजें बनाई हैं, जैसे कि कोड ऑफ इंडियन पिनल कोड और इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह जो है इसके टाइम पर क्वालिफाई किया गया है। इंडियन कोर्ट एक्ट जो है हाई कोर्ट एक्ट वगैरह 1861 में वो भी इसके टाइम पर आया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है इसने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला 1858 के अंदर यही बंदा है। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और बंगाल और मद्रास के अंदर जो यूनिवर्सिटी फाउंड करने वाला बंदा भी यही है, यहीं पे है, और राइट बंगाल के अंदर 1860 के अंदर राइट भी यही भी होता है। उसके बाद एलन लॉर्ड एल्गिन है, एल्गिन वन जो है ये वहाबी मूवमेंट, पेन इंडिया वहाबी मूवमेंट 1862 से 63 तक इनके टाइम पर हुआ है। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक टेलीग्राफ कम्युनिकेशन वगैरह ओपन करने वाला बंदा, इसका याद रखिएगा नाम लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस का। सर जॉन लॉरेंस जो है उसके टाइम पर भूटान वॉर हुआ है 1865 के अंदर, ये बात याद रखेंगे। लॉर्ड मायो जो पहला बंदा है जिसको पहला गवर्नर जनरल जिसको जो है उसके उसमें मार दिया गया था, कार्यकाल में मार दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था अंडमान जेल के अंदर, शेर अली अफरीदी ने इसको मार दिया था। तो ये जो है लॉर्ड मायो 1869 के अंदर ये फेमस है, अजमेर के अंदर ये मायो कॉलेज इसने बनाया था,
प्रिंसेस के लिए, ठीक है, और इस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ने करा था, और इसको मर्डर किया था ऑफिस के अंदर 1872 के अंदर। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है कुका मूवमेंट इनके टाइम पर हुआ है 1772, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं लाया। लॉर्ड लेटन बहुत ही इनफेमस बंदा, लॉर्ड लेटन 76 से लेकर 80 तक, और ये सबसे इनफेमस बंदा, वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस बंदा, ग्रेट दरबार लगाता है फमाइन के टाइम पर, और उसके अलावा कैसरे हिंद का खिताब देता है, ये क्या नाम है, कैसरे हिंद का खिताब देता है विक्टोरिया को, क्वीन विक्टोरिया को, और उसके अलावा जो है ये सिविल लिबर्टी बिल वगैरह पास करवा, मतलब ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए बहुत फेमस है कि ये पास करवाता है, और उसके अलावा एज वगैरह कम करता है, सेकंड एंगल उनका सिविल सर्विस का एज जो है 18 साल कर देता, 19 साल कर देता है 21 साल से, और उसके बाद में सेकंड अफगान वॉर भी इसके टाइम पर होता है, जिसमें सेकंड अफगान वॉर जो है एक फेलियर प्रूफ होता है, लेकिन इसके टाइम पर होता है। उसके बाद में लॉर्ड रिपन, रिपन थोड़ा अच्छा आदमी था, इसने रिपील कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और इसने जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 के अंदर इसके टाइम पर आया है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद में लॉर्ड डफरिन है, डफरिन के टाइम पर क्या हुआ था, ईजान क्या हुआ था डफरिन के टाइम पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 के अंदर। ठीक है, 1885 के अंदर लॉर्ड डफरिन के अंदर, यदि ईजान ने बताया था कि लॉर्ड डफरिन के टाइम पर बना था, बदमाश नहीं करो। ठीक है, वो 1884 से लेकर 88 के अंदर जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 85 के अंदर, और उसके बाद लैंस डाउन है 88 से लेकर 94 तक। लैंस डाउन जो है इसका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 कैटेगराइज सिविल सर्विस को, अगर वो इंपीरियल प्रोविंसियल और सबऑर्डिनेट के अंदर जो कैटेगराइज किया है वो भी लैंस डाउन के टाइम पर किया है। डूरान कमीशन इसका रट्टा मार लीजिएगा, डूरान कमीशन जो अपॉइंट किया था वो इसी के टाइम पर हुआ है, जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में लाइन खींचता है डूरान। उसके बाद में एल्गिन टू है, एल्गिन टू जो है ये उसके टाइम पर हुई है, लेकिन उसके लिए फेमस नहीं है, फेमस जो है ये फ्रंटियर बिटवीन चाइना और इंडिया जो रेटिफाई किया है उसके टाइम पर हुआ है, लेल कमीशन बनाने फेमाइन के लिए इसने बनाया था। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन जो है इसने पुलिस कमिश्नर एंड्रूज फेरिज को बनाया था 1902 के अंदर, यूनिवर्सिटी कमीशन लेकर आया था, और उसके बाद में सबसे ज्यादा फेमस है ये बंगाल पार्टीशन के लिए। लॉर्ड मिंटो टू जो है स्वदेशी मूवमेंट चला इनके टाइम पर 1905 के अंदर और 1908 तक का भी जो स्वदेशी मूवमेंट है, सूरत स्प्लिट वगैरह सब इनके टाइम पर हुआ है। मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1907-1909 के अंदर इनके टाइम पर आया, जिसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग्स है, हार्डिंग 1910 से लेकर और 16 तक है, और 1916 तक तो इसमें इनका एनलमेंट ऑफ द बंगाल, बंगाल जो पार्टीशन किया था उसको जोड़ने वाला काम इनके टाइम पर हुआ है। कैपिटल ट्रांसफर हुआ है कलकत्ता से, 1911 में कैपिटल ट्रांसफर हुआ है कलकत्ता से लेकर कहां पे दिल्ली पे, ये भी इनके टाइम पर। ग्रैंड दरबार किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी को 1911 के अंदर ग्रैंड दरबार जो लगाया था वो हार्डिंग के टाइम पर हुआ था। हार्डिंग के ऊपर लोगों ने बम फेंका था चांदनी चौक में, मैंने बताया था, सचिन सान्याल और रस बिहारी घोष ने, ये मैंने बताया था रस बिहारी घोष ने। और उसके अलावा जो है आपका हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने 1915 में इनके टाइम पर बनाया, और 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बन गई थी मिंटो के टाइम पर, याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 16 से 21 तक रहा है और होम रूल मूवमेंट इनके टाइम पर हुआ है। उसके अलावा लखनऊ पैक्ट इनके टाइम पर हुआ है, गांधी इंडिया में आए हैं 9 जनवरी 1915 के अंदर इनके टाइम पर आए हैं, चंपारण सत्याग्रह और मॉन्टेस्क्यू अगस्त डिक्लेरेशन, उसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह सब इनके टाइम पर हुआ है, जलियांवाला बाग मैसेकर भी इनके टाइम पर हुआ है, हंटर कमीशन जलियांवाला बाग के प्रोब के लिए बनाई गई थी वो भी इनके टाइम पर, खिलाफत मूवमेंट इनके टाइम पर हुआ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर हुआ है। लॉर्ड रीडिंग से लेकर 26 तक रहा है, क्रिमिनल लॉ वगैरह में अमेंडमेंट करवाया है और क्या नाम है रिपील किया है प्रेस एक्ट को। और उसके बाद में इसके अंदर जो है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1921 के अंदर इसका फाउंडेशन वगैरह भी सोनी से टाइम पर रखा गया। चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 के अंदर यहाँ पे हुआ है, स्वराज पार्टी 1923 के अंदर इसके टाइम पर बनी है, और स्वराज पार्टी पता है ना वो कांग्रेस से अलग होकर इन लोगों ने स्वराजिस्ट पार्टी बना ली थी, सीआर दास वगैरह ने, मोतीलाल नेहरू ने, याद कराओ मैंने बताया था। काकोरी की डकैती 1925 में इनके टाइम पर हुई है, आरएसएस वगैरह 1925 के अंदर यहाँ पे बना है, हिंदू महासभा 1915 में बन गई थी और आरएसएस जो है वो 1925 में बनी है, और स्वामी सत्यानंद का मर्डर भी हुआ है 1926 के अंदर। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 31 तक रहा है, साइमन कमीशन 1927 में इनके टाइम पर आई है, और उसके अलावा जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 की इनके टाइम पर आई है, 14 पॉइंट जिन्ना ने दिए थे याद करो नेहरू रिपोर्ट से नाराज होकर, वो भी इनके टाइम पर है। लाहौर सेशन जो है कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को जो बनाया गया था, क्या बनाया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की थी। सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट दांडी मार्च जो है वो 1931-30 में उनके टाइम पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में इनमें हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी ने कहा कि मैं चलो आ रहा हूं लंदन, वो भी इन्हीं के टाइम पर हुआ है। फिर लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन जो है 1931-36 तक रहा है, और सेकंड सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट जब स्टार्ट किया तो इसने पूरा सप्रेस कर दिया, उसके मैकडॉनल्ड ने कॉमनर अवार्ड दे दिया इस टाइम पे। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें किसी ने पार्टिसिपेट
ज्यादा लोगों ने नहीं किया है। और उसके बाद में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया और उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा पाया ज्यादा, तब तक लॉर्ड लिनलिथगो आ गया। लिनलिथगो जो आया वो 1936 से 43 तक, और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया 1937 में। जो कांग्रेस मिनिस्ट्री की बनी थी वो 1939 के अंदर रिजाइन किया, क्यों? क्योंकि जो है वो शुरू हो गया था, क्या नाम आपका, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और उन्होंने बिना इंडियन से पूछे हुए इंडियन को वर्ल्ड वॉर में शामिल होने की बात कह दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था कांग्रेस से रिजाइन करके 1939 के अंदर ही, और अगस्त रिजोल्यूशन पास होता है 1940 के अंदर, लाहौर से रिजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद में पाकिस्तान की डिमांड शुरू हो जाती है और अगस्त रिजोल्यूशन पास होता है क्या नाम है लिनलिथगो के टाइम पर, जिसमें वो कहता है कि मेरा मैं उसके बाद में जो है वर्ल्ड वॉर के में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद में मैं जो है डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्रीप मिशन 1942 में आता है, वो भी डोमिनियन स्टेटस की बात करता है, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर आता है, होता है कि करो या मरो वाली बात आ जाती है, और वहाँ पे गांधी जी कहते हैं डू और डाई, और वो कहाँ पे होता है, क्या नाम है, गांधी वर्धा के अंदर जो स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है करो या मरो और डू और डाई, और बहुत ही ब्लडी मूवमेंट 1942 में शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, और बहुत लोग मारे जाते हैं, और उषा मेहता वगैरह रेडियो वगैरह चलाती हैं, उसमें सेकंड स्टेट के लीडर बचते हैं, फर्स्ट स्टेट लीडर सारे जेल में चले जाते हैं। उसके बाद में लॉर्ड गोवेल आता है 43 से लेकर 47 तक, और सीआर दास 1944 सीआर फार्मूला लेकर आते हैं, 1919 सीआर फार्मूला जो है वो सी राजगोपालाचारी लेकर आते हैं 1944 के अंदर। गोवेल प्लान जो है वो गोवेल प्लान टाइम पर आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होता है 1945 के एंड, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हो जाता है, और आईएनए का ट्रायल शुरू होता है सेंटीमेंट जो है हासिल करने के लिए, जो बहुत सारे लोग शुरू हो जाते हैं, यानी भुलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब उनकी पैरवी करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है 1946 के अंदर, और जो है डायरेक्ट एक्शन के लिए मुस्लिम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे करता है, उसमें बहुत ब्लडी वॉर शुरू हो जाता है, एक तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है, और फिर पाकिस्तान की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। आखिर में लॉर्ड माउंटबेटन आता है, वो कहता है कि ठीक है भैया 3 जून का प्लान आता है 1947 के अंदर, दो पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करेंगे, और हम लोग जो है वो बनाता है रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ को बुलाता है और बाउंड्री कमीशन बनाता है, दो पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड कर देता है, बांग्लादेश और ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान एंड इंडिया, तो ये बना देता है लॉर्ड माउंटबेटन को। कुछ दिन तक लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया का लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है, जो कि फर्स्ट जो है फ्री इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल है 1947 के अंदर, और उसके बाद लास्ट जो गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। और उसके बाद में गांधी का मर्डर हो जाता है इसी टाइम पर, ठीक है, कश्मीर ने एक्सेप्ट कर लेता है कि वहां पे इंडिया आ जाए, और उसके इसी में 1947 के बाद, और सी राजगोपालाचारी को जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया बनाया जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल का इंस्टीट्यूशन रहता है कब तक, 1950 तक रहता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता, 26 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट वाला इंस्टीट्यूशन आ जाता है। तो ये पूरी कहानी जो है गवर्नर जनरल के रूप में है। उसके अलावा जो है आपको कुछ इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुए हैं इस टाइम पर। तो इम्पोर्टेंट इवेंट ये हैं भैया कि देखिए, सबसे पहले जो अगर आप शुरू करेंगे तो इम्पोर्टेंट इवेंट में, तो आपका जो है वो है 1857 का जो है रिवोल्यूशन है। 1857 का रिवोल्यूशन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो 1857 के रिवोल्यूशन के बाद है, डिवाइड एंड रूल, वहीं से उन्होंने सोच लिया था कि डिवाइड एंड रूल करेंगे। उसके बाद में जो है इंटरनेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन है, जो 1885 के अंदर बना था, ए ओ होम ने बनाया था, और उसके अलावा फर्स्ट चेयरमैन उसके जो थे वो कौन थे, मैंने बताया था डब्ल्यू सी बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी, और आपको बताया कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर ये सारी मीटिंग हुई थी, 72 डेलीगेट्स आए थे, जिसमें उषा मेहता वगैरह थे, उस समय की सबसे मेजर पार्टी जितनी भी थी वो सब आए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था कि हर साल मिलेंगे दिसंबर के महीने में और सेशन करेंगे। उसमें दो तरह से फिर बाद में धीरे धीरे ग्रुप डिवाइड हो गया, एक मॉडरेट लीडर हो गया और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो गए। मॉडरेट लीडर जो कि प्रेयर पिटीशन वगैरह करते थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो कि बायकॉट वगैरह की मांग करना शुरू करते थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और क्या नाम है आपका सर अरविंद घोष वगैरह थे। तो वो आपको पता है उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश की, जो ईस्टर्न बंगाल जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे और वेस्टर्न बंगाल जहाँ पे हिंदू ज्यादा थे, ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, लॉर्ड कर्जन ने की 1905 में, उसके खिलाफ लोगों ने विरोध करना शुरू किया, अवरोध करना शुरू किया, तो उसके अंदर कांग्रेस के पास रिजोल्यूशन जाना शुरू हुआ। उसके सारे सेशन इंपॉर्टेंट 1905 1906 1907 में जितने भी सेशन हुए सारे मद्रास, बनारस और क्या नाम है बनारस कलकत्ता और क्या नाम है आपका सूरत, तो ये तीनों सेशन इंपॉर्टेंट 1905 1906 1907, उसको याद कर लीजिएगा। और उसके अंदर 7 में जाके सूरत स्प्लिट हो जाता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं, यानी गरम दल और नरम दल वाले या मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर अलग हो जाते हैं। और जब ये अलग हो जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा वो होता है, इसमें मुस्लिम लीग भी बन जाती है 1906 के अंदर। मुस्लिम लीग को कहता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे 1907 के अंदर, जो है सेपरेट 1906 के अंदर बन जाती है। 1909 के अंदर मॉडरेट मिंटो रिफॉर्म होता है, जिसके अंदर वो बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को देंगे और सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को देते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाता है, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद में फिर जो है
1911 के अंदर हार्डिंग के ऊपर बम फार्म मारते हैं, उधर कामागाटा मारू इंसिडेंट होता है, गदर पार्टी वगैरह वाले इस समय जो है गदर पार्टी वाले गदर मचा रहे होते हैं सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और उसके बाद लेकिन सारे पकड़े जाते हैं, उसके बाद में फिर जो है होम रूल मूवमेंट, तिलक को जेल हो जाती है और ये लोग भाग जाते हैं। फिर जो है उसके बाद होता क्या है, तिलक जब जेल से छूट के आते हैं इधर गांधी जी आ जाते हैं और इधर लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें मुस्लिम क्या नाम मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहली बार साथ में आती है 1916 वाली। उसके बाद यानी बेसेंट वगैरह जो है उसमें कोशिश करती है और तिलक अंदर आ जाते हैं इसमें, और गांधी जी अपनी कोई अभी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं चंपारण खेड़ा और क्या नाम है अहमदाबाद वाला खेल खेल रहे हैं, वो अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह में नहीं आया। इधर जलियांवाला बाग और जलियांवाला बाग हो जाता है। जलियांवाला बाग क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग सैफुद्दीन किचलू और क्या नाम है आपका सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और बैसाखी का दिन था और वहां पे क्या नाम है जलियांवाला बाग अमृतसर के पास वहां पे जनरल डायर जो है मार्शल लॉ लगा हुआ था उसने गोली चलवा दी, ठीक है। ये क्या हो गया, तो जनरल इसने क्या नाम है क्या हो रहा है, तो जनरल इसने जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग में गोली चलवा दी, बहुत सारे लोग मारे गए और उसके बाद में उसके लिए हंटर कमीशन बनी है, कमीशन बनाई गई उसकी इंक्वायरी के लिए। और उसके बाद में उधम सिंह ने बाद में इसका बदला लिया जनरल डायर के को से, लेकिन उस समय जो है मतलब उसके लिए जो है कैसरी हिंद का खिताब जो है गांधी जी को मिला हुआ था। कैसरी हिंद का खिताब कहाँ मिला था, बोहर वॉर के टाइम पे अफ्रीका में मिला था, उसको उन्होंने वापस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड वगैरह का खिताब मिला हुआ था उसको वापस कर दिया। इस तरह से लोगों ने अवार्ड वापस किया कि ब्रिटिश का कोई अवार्ड हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद में गांधी जी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस समय स्टार्ट हुआ है 1921 में। उसके बाद में चोरी चोरा इंसिडेंट अहिंसा के लिए को लेकर उन्होंने स्टार्ट किया था। चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है, पुलिस वालों को जला देते हैं तो वो क्या नाम है अपना वो हटा देते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं कर रहा, आई विल नॉट प्ले, ठीक है मैं ये नहीं कर रहा। इससे नाराज होकर स्वराजिस्ट पार्टी लोग 1923 के अंदर सीआर दास मोतीलाल नेहरू वगैरह स्वराजिस्ट पार्टी बना देते हैं। और उसके बाद में फिर जो है स्वराजिस्ट पार्टी बन जाती है 1925 के अंदर, आरएसएस वगैरह बन जाता है। और उसके बाद में फिर जो है गांधी जी जो है वो कहते हैं मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से कुछ दिन के लिए रिटायरमेंट हो जाता है। साइमन कमीशन 1920, उससे पहले 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आता है, मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म कहते हैं उसमें डायरकी आती है, डायरकी का प्रोविजन उसमें लगते हैं कि मतलब उसमें जो है पॉपुलर गवर्नमेंट भी रहेगी और क्या नाम है गवर्नर जनरल भी रहेगा, ये वाली की कहानी आती है। उसके बाद में फिर जो है आपका जो ये साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता, इसका विरोध होता है, विरोध में ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं। जब ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं तो लाला लाजपत राय ब्लैक फ्लैग दिखा रहे होते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, वो मारे जाते हैं लाला लाजपत राय। भगत सिंह वगैरह कसम खाते हैं कि वी विल टेक रिवेंज। और उसके बाद में फिर आते क्या है साइमन कमीशन जो है वो गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, लेकिन कुछ उससे गो बैक नहीं होता है, सारा जो है ये लोग बनाते हैं। फिर नेहरू अपना नेहरू कमेटी बनाई जाती है जिसमें नेहरू अपनी रिपोर्ट देते हैं, नेहरू रिपोर्ट इसमें आती है साइमन कमीशन के उस पर। और उसके बाद में जिन्ना अपने 14 पॉइंट देते हैं और उसके बाद में फाइनली क्या होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाया जाता है कि आओ डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिपेयर हो गया ग्राउंड फॉर द बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी नॉन कॉपरेशन से आगे बढ़ के सिविल डिसोबीडियंस होगा, गांधी जी उसके अगुवाई करेंगे, दांडी मार्च शुरू होता है, गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं, कारखाने कानून तोड़ते हैं, लोगों को जेलों वेलों में डाला जाता है। गांधी जी कहते हैं कि वी हैव अ वेपन एंड विल फाइट, तो वो गांधी जी लड़ना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग जो है वो रुकेंगे नहीं, हम लोग झुकेंगे नहीं, एंड वी विल ब्रेक द लॉ, एंड आप क्या करोगे जेलों में डालोगे डालो, ठीक है। तो इस तरह से होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं जाता, इरविन गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी जी एग्री कर जाते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है मैं चल रहा हूँ। तो वो जाएंगे फिर वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अम्बेडकर के साथ वो हो जाता है, यानी लंदन जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे साइमन कमीशन की रिपोर्ट वगैरह सब डिस्कस होगी और सारी पार्टीज जाती है जिसमें अम्बेडकर से जो है रिजर्वेशन को लेकर और क्या खासकर सेपरेट रेट को लेकर थोड़ा सा लड़ाई हो जाती है, बातचीत हो जाती है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। ये आते हैं बोलते हैं हमसे जो है सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, लेकिन ये मंजूर नहीं था, यहाँ पे लड़ाई, यहाँ पे जो है सबको जेलों में डाल दिया जाता है। फाइनली 1930 पर गवर्नर रामसिंह मैकडॉनल्ड दे देता है। मैकडॉनल्ड में क्या होता है कि सेपरेट डिलीवरेट दे दिया जाता है दलितों को, जिसका जिसके लिए गांधी जी जो है उपवास पे बैठ जाते हैं फास्ट ऑन टू डेथ। तो गांधी अम्बेडकर पैक्ट होता है अम्बेडकर को राजी करने के लिए, गांधी अम्बेडकर पैक्ट आगा का हाउस में होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है 1935 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाती है लागू होने से पहले, फिर उसके लिए इलेक्शन होता है 1937 के अंदर। इलेक्शन में जो है कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनती है ज्यादातर जगहों पर। 1939 के अंदर कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है, रिजाइन क्यों कर देती है क्योंकि वो मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या नाम है डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को यहाँ पे पूर्ण स्वराज के
डिमांड 1929 से शुरू हो जाती है, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि डोमिनियन स्टेटस हमें दे दो, तो डोमिनियन स्टेटस जो है पहले मांग रहे होते हैं, मोतीलाल नेहरू वाली रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस मांगा था, लेकिन उन्होंने बोला कि उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमने तो लाहौर सेशन से ही 1929 से ही हम पूर्ण स्वराज मांग रहे, तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब पूर्ण स्वराज की कहानी चल रही है, ये लोग डोमिनियन स्टेट देने को तैयार है, इसमें बोवेल प्लान, अगस्त ऑफर, क्रीप मिशन, सब में यही बात चल रही है कि भैया आप डोमिनियन स्टेट लो, हम बोल रहे हैं हमें नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेट लो पूर्ण स्वराज चाहिए। इधर इनकी कहानी शुरू हो गई जिन्ना की, उन्होंने बोला कि हमें तो दूसरा देश ही चाहिए। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कन्फ्यूजन हो रहा है और सब लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं। फाइनली वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद में क्या है, कैबिनेट मिशन भेज दिया जाता है कि चलो भैया कैबिनेट मिशन वाली कहानी आपको पॉलिटी में बता चुका हूँ कि हुआ क्या है। अभी अलेक्जेंडर सेल स्टेफर क्रीप एंड क्रीक एंड क्या नाम है आपका पैथिक लॉरेंस, ये लोग आके और ये बना देते हैं कि कैबिनेट मिशन बनाओ। कैबिनेट मिशन बनाने के बाद में क्या होता है कि जो है इंडिया को आज़ाद करो, रेड क्लिफ लाइन खींचो, और उसके बाद में इंडिया जो है आज़ाद करवा देते हैं, इन्हें आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ले आते हैं। और तो ये वाली पूरी कहानी इसमें देखना है, इसमें क्या है कि कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि लेटिन को याद रखना है, तो लेटिन ने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह लेकर आया था। उसी तरह जो है जो मूवमेंट्स हैं उसके अंदर जो है जो चोरी चोरा मूवमेंट है, इंसिडेंट है, या इस तरह के जो इवेंट्स हुए हैं उनको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि इवेंट है, और कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है, सूरत स्प्लिट कब हुआ है, और उसमें फिर कौन लोग पार्टिसिपेट करते, बस यही सब बातें होती हैं। आई होप कि समझ में आ गया हो। हंटर कमीशन किसके लिए बनाई गई थी, तो हंटर कमीशन दो बार बनाई गई है, एक बार एजुकेशन के लिए बनाई गई है, एक हंटर कमीशन एजुकेशन वाली है जो कि 80s में बनाई गई है, और जो है क्या नाम है ये जो है जलियांवाला बाग के लिए भी हंटर कमीशन बनाई गई थी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद फिर 42 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट याद रखिएगा, तो पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीन मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो गांधी वाले स्टाइल में लड़े गए हैं। बाद में थोड़ा सा क्या नाम है गांधी जी ने मॉडिफाई करवा दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में, किक डू ऑर डाई, और वहां पे फिर वायलेंट मूवमेंट शुरू हो गया। अगर पढ़ रखा है तो समझ में आया होगा, नहीं तो सब ऊपर से उड़ गया होगा। कितना टाइम लगा हिस्ट्री रिवाइज करने में, आप लोग पढ़ोगे तो दिमाग में रिकॉल करने में कितना टाइम लगेगा, 37 मिनट ओनली, जिसमें बकवास भी होगी है भाई, नहीं ज्यादा टाइम लग गया क्या, कितना मिनट लगा है